आज 22 जनवरी है। वैसे तो पूरा पटना दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी में पटना के डाक बंगला चौराहा, जिसे राम चौक भी कहा जाता है, अभी हम वहीं पे पहुंचने वाले हैं और इस ब्लॉक में वहीं का दृश्य दिखाएंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो सामने दृश्य देख रहे हैं यही है आपका राम चौक, जिसे हमारे पटना वासी डाक बंगला चौराहा के नाम से भी जानते हैं। आज यानी कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन को लेकर वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसी को लेकर यहां पे 51,000 दीप जलाकर दीपो उत्सव मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ हमारे राज्यपाल के द्वारा होगा। और यहाँ पे एलईडी पे देख सकते हैं श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या में हो रहा है, और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो अब यहाँ पे हवन की तैयारी हो रहा है। और पिछले 24 घंटा से यहाँ पे अट जाम हो रहा था, तो उसका आज इंड हो जाएगा और हवन के साथ ही उसका समापन होगी। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और फिर शाम को मिलेंगे यहाँ पे दीप प्रज्वलित में और दिवाली मनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं। दिवाली मनाओ, हैप्पी दिवाली। देख रहे हैं इधर सिंगर लोग पहुंचे हुए हैं कीर्तन के लिए, और इधर हमारे राज्यपाल पहुंच गए हैं और दीप प्रज्वलित हो चुका है। ये जो दीप देख रहे हैं, तकरीबन 50,000 दीप जलाया गया है यहाँ पे, और इधर फटाका दोनों साइड में बिल्डिंग के ऊपर में फटाका फोड़े जा रहे हैं, दिवाली मनाए जा रहे हैं। सब कोई पूरा दिवाली में मग्न है अपने अपने तरीकों से। और देख रहे हैं भाई साहब कितना भीड़ है यहाँ पे, क्या नज़ारा है। ओरिजिनल दिवाली तो यही है हम लोग का। ऊपर होर्डिंग में फटाका फोड़ने के क्रम में आग भी लग गया थोड़ा सा, उतना तो चलता है दिवाली में थोड़ा बहुत। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। देखिए एंजॉय कीजिए इधर, यहाँ पे तो आप लोग देख ही रहे, सब अपने अपने तरह से एंजॉय कर रहे। देख रहे इधर नवयुवक पूरा डांस कर रहे और अपना खुशी जाहिर कर रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।